नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। मंदिर से 500 मीटर के यहाँ पे आपको साई सिंह का एक ऑडिटोरियम म्यूजियम थीम पार्क दिखेगा, जिसका टाइमिंग 10 to 6 क्लॉक है और इसका जो बेसिक प्राइस जो है 471 रुपीज़ है। आपका वी आई पी दर्शन करना चाहिए 26 रुपीज़ है और यहाँ पे 4 टाइप के डिफरेंट आपके शूज रहेंगे, तो जिसमें आपको द्वारका माँ तीर्थ यात्रा और सप्तमाली के और लंका दान फाइड एक्सपीरियंस। अगर आप सिर्फ भी आए तो डेफिनेटली इस जगह पर आइए और विजिट करें। चलो थैंक यू। अंदर घुस गए हैं, एंट्री ले लिए हैं, जहाँ पे आपको ये बैंड लगाया जाएगा जिससे आपको कहीं पे भी दर्शन कर सकते हैं। सो 870 ये हमारा पहला तीर्थ यात्रा यहाँ पे स्टार्ट होंगे। Let's go. So, पहला हमारा जो राइड होगा वो टेम्पल राइड है और ज़्यादा लाइन नहीं है, सो आई थिंक वीकेंड टाइम है सैटरडे, बट स्टिल सॉरी अरे यार, अभी हम बहुत अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। अभी असली तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिला और हमने छोटी सी तीर्थ यात्रा शिरडी में करा है। थैंक्स टू हेमंत गुप्ता जो ये तीर्थ यात्रा का अद्भुत नज़ारा लेने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये देख लीजिए। सो फाइनली हमारा टेम्पल राइड शुरू होने वाला है। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के।
बनारस बनारस। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हर महादेव। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। जय बद्रीनाथ। पंडरपुर। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आन
आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सीढ़ी कैप्चर नहीं पाया। प्रकट हुए थे जैसे साल, निकल गए किस्मत बांध गई दौरान किसी को कुछ समस्या है तो चेयर से ना उतरे, सिर्फ अपना हाथ ऊपर करें, हमारे एग्जीक्यूटिव आपकी सहायता के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। स्वागत है आपके लिए बैठ सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर सीट्स नंबर नहीं होते हैं। लेट्स सेंटर में ना, सेंटर सेंटर। तो ये हमारा अभी फोर्थ शो है जो जायंट स्क्रीन में है। इससे पहले हमने लंका दहन, द्वारका मई और तीर्थ यात्रा किया था। हाँ, तीनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आई थिंक आपको अपने ये जो पचौथा एक्सपीरियंस हो रहा है वैसे हो गया, उससे अच्छा स्टार्ट होने वाले।
घंटे के ऑडिटोरियम में साईं बाबा के ऊपर मूवी बनी हुई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बाबा जी का क्या जो चमत्कार थे उसके बारे में दिखाया गया था ऑडिटोरियम में। वीडियो 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 बना ले रहा, तू पटाक से हट गया। फीडबैक सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। सो 3 घंटे में आपको 4 चीज के दर्शन होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है आकाश, द्वारका माई, दूसरा होता है अपना तीर्थ यात्रा। सबसे पहला तीर्थ यात्रा, दूसरा है द्वारका माई, तीसरा है लंका दहन और चौथा है सबका मालिक है। और पांचवा आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक फोटो खींच सकते हैं जो आपके व्हाट्सएप पे वो लोग सेंड कर देंगे डीएसएलआर कैमरा के थ्रू। और अगर आप चार्ज करके फोटो खिंचाते हो तो आपको 80 रुपीज लगता। तो अगर आप सिडी आते हैं तो मेक श्योर कि आप 2 दिन का प्लान करें, जिसमें आपका फर्स्ट डे तो टेम्पल विजिट हो जाएंगे, बट सेकेंड डे जो आप विजिट प्लान करेंगे ना तो आप यहाँ थीम पार्क पे आइए। ये 500 मीटर है टेम्पल से, तो मेरी आप उसी वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट में आप पे पहुंच जाएंगे। और बच्चों को लेके आइए, उनके लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट है ये यहाँ पे, तो लाइए और इस तीर्थ का थोड़ा लाभ उठाइए और इस जर्नी को थोड़ा एंजॉय करिए। सो ओम साईं राम। अब हम वीडियो यहाँ पे हमारा डी एंड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।